सत श्रीकाल जी सारयां नूं। पब्लिक एक्शन कमेटी मत्तेआड़ा सतलुज बुढ़ा दरिया वालों आप सारयां दा स्वागत है जी आयां नूं। तुसी बन दे उत्ते अज पब्लिक एक्शन कमेटी वालों कॉल दित्ती गई सी मत्तेआड़ा इंडस्ट्रियल पार्क नूं रद्द कराउण दे लई, जिस नूं कि बहुत भरवां हुंगारा मिलिया ते अपने आप दे विच अज एक इतिहासिक इकट्ठ हो निबड़िया। अज दे इकट्ठ दे विच सभ्याचारक जथेबंदियों तो लैके धार्मिक जथेबंदियों तो लैके माणमत्तियां जथेबंदियां जिवें कि SGPC और बहुत सारे पोलीटिकल पार्टियां दे लीडर साहबान जिहड़े इत्थे पहुँचे। इस तो बिना SKM ने विशेष तौर पर जिन्नियां किसान जथेबंदियां ने इत्थे आ के साढ़े नाल मोढ़ा ला के इस मोर्चे नूं अगे तो लड़न दे लई साढ़े नाल उन्हां ने वादा कीता, उन्हां सारियां जथेबंदियां दे धन्नवादी हां। इस तो बाद अज दा जिहड़ा प्रोग्राम आ, अज दे प्रोग्राम की कार्रवाई करन तो बाद तुसी बन दे उत्ते ही साडियां जिन्नियां जथेबंदियां सी जिन्ने जथेबंदियां नाल चलदियां सी उन्हां दे नाल असी दो राउंड की आपसी जिहड़ी आ उह गलबात कीती, इस गल नूं लै के भी जिहड़ा अगाऊ संघर्ष जिहड़ा आ उस नूं किस तरीके नाल लड़ना है। इस तो बाद पब्लिक एक्शन कमेटी की जिहड़ी 8 मैंबरी टीम आ जिहड़ी कि अगवाई करदी पई है इस मोर्चे की, दो राउंड की मीटिंग जिहड़ी है इस PAC कमेटी ने आपस दे विच कीती, जिहदे विच मैंबरां दे गलबात दे दौरान सानू पता लग्या कि सरकार वालों गलबात दा जिहड़ा सद्दा आ इस मोर्चे नूं लै के इंडस्ट्रियल पार्क मत्तेआड़ा नूं लै के सानू गलबात दा जिहड़ा सद्दा आ मुख मंत्री दफ्तर वालों भेजिया गया है। और जिहड़ा सुनेहा है ऑफिशियल तौर दे उत्ते जिहड़े साडे दो मैंबर साहिबान आ उन्हां तक मुख मंत्री दफ्तर तों जिहड़े IS साहिबान आ उन्हां ने भेजिया है। पब्लिक एक्शन कमेटी अपने सारे धिरां दे नाल राबता करन तो बाद आपसी सलाह करन तो बाद इस सद्दे दा स्वागत करदी है। ये जिहड़ा सद्दा है ये कल दा सद्दा जिहड़ा दिता गया है, कल दे सद्दे दे विच जिहड़ी पब्लिक एक्शन कमेटी है वो गलबात दे इस दौर दे विच हिस्सा लवेगी। हिस्सा लैण तो बाद उत्थे जाण तो बाद असी मीडिया नूं उत्थों निकल के ब्रीफ करांगे, जिद्दां दी भी गलबात हुंदी आ असी एक राय हैं भी ये जिहड़ा प्रोजेक्ट आ मत्तेआड़ा इंडस्ट्रियल पार्क ये असी रद्द करवाउणा आ, इहदे ते साडी सहमति आ, इहदे तों घट कुछ भी नहीं। कल दी गलबात तों बाद किस तरीके दी गलबात हुंदी है, किस तरीके दा रिस्पोंस आ और किस तरीके नाल जे ते मौके ते रद्द कर दिंदे आ ते फिर तुहाडे सारयां नाल उत्थों भी मुखातब होवांगे और धन्नवाद भी करांगे, नहीं ते जिहड़ा अगला संघर्ष आ वो इसे तरीके दे नाल कल दी मीटिंग तो बाद जिहड़ा आ वो उलीकिया जाएगा। धन्यवाद। अच्छा कल किहदे नाल मीटिंग हो रही है जिहड़ा कोई पता लग्गिया, पैनल वगैरह जां मुख्यमंत्री जां किसे होर? कल मुख्यमंत्री पंजाब दे नाल मीटिंग है जी। लिखती तौर ते आ गया जी जां इह अजे ब्यूरोक्रेट्स वल्लों तुहानूं सुनेहा ही है? इह ब्यूरोक्रेट्स वल्लों इक चैनल दे थ्रू उहनां ने सुनेहा दित्ता आ और उहनां वल्लों कहा गया भी असीं लिखती तौर ते ही तुहानूं भेज देंगे, इहनूं वेरीफाई कर देंगे और असीं भी इस तों बिना उदा नहीं तुरे, जदों गल पक्की हुई है उस तो बाद ये फैसला लेंगे। किन्ने बजे दा समय है जी कल दा? ये 11 बजे दा समय दिता है जी। मुख्यमंत्री निवास दे विच या? हां जी निवास जी। अच्छा इत्थे कन्फ्यूजिंग रहिंदी है हमेशा, मत्तेआड़ा जंगल ते सतलुज दरिया दो आ जांदे ने चीजां, मत्तेआड़ा जंगल दे कहिंदे ने भी कोई हिस्सा नहीं आ रहा, तुहानूं हो सकदा कि ओह मन जाण के असीं हिस्सा नहीं लैंदे फिर तुहाडा एक्शन? नहीं ओह जिहड़ियां गल्लां हुंदियां ने भी असीं 300 फुट गांह कर दांगे 500 फुट गांह कर दांगे जां इहनूं अद्धा कु किलोमीटर परे लै जाएंगे, क्योंकि पानी इन्हां ने जमीन चो कढ़ना आ ते पानी सतलुज च पाउणा, सानूं उहदे नाल नहीं फर्क पैंदा। असीं सारे पंजाब दे फ्लड प्लेन जिहड़े हड़ मैदान आ उहनां सारयां नूं उन्हां दे सारयां नूं साफ रखण की गल करते हैं, और ये जिहड़ा इत्थे वाला प्रोजेक्ट आ जदों इहनूं इत्थों रद्द करन की गल करते हैं उहदा मतलब ये नहीं भी इहनूं इत्थों गांह कर दीए जां सतलुज दे विच इधर नूं गांह लै जाइए, वो रद्द करन की गल पूरन रद्द करन की है। मतलब कि पंजाब दे विच ये प्रोजेक्ट कितने भी ना लगे, ये ना हो कि मान लो ये इतों मत्तेआड़ा या लुधियाना डिस्ट्रिक्ट दे विचों रद्द कर देंगे, कल नूं कह देंगे कि रेतले इलाके दे विच कितने असीं उत्थे? नहीं जी नहीं, जिथे साढ़े पानी के स्रोत आ जिथे साडा हड़ मैदान आ जिथे साढ़े लोगों नूं बीमारी लगती है वो चाहे लुधियाना हो चाहे बोर फाजिलका हो, असीं ये पंजाब चो रद्द चाहुंदे आ जी। हड़ मैदान लैके लाया हुआ है जी, भी हड़ मैदान की डेफिनेशन जी
वो सरकार के नुमाइंदियां ने देनी सी वो नहीं पहुंचे तो वो अगली तरीक जी पै गई है जी कानूनी लड़ाई है और नाल नाल लड़ते रहेंगे। अच्छा कानूनी लड़ाई की चल रही है मतलब केड़ा राह है कोई जरा जिदे कानूनी चारा जो भी कर सकते जिन्हें भी राह है जी असं ये लड़ाई तो सारे पास लड़नी पैंती होंगी है पर सानू पता भी कानून वाली लड़ाई दे कली ते नहीं असी रह सकते ये जी लोगों की लड़ाई आ आम लोगों उठ के लड़नी पैनी है ये मथाज जिहड़ा आ खोलिया होया सारे नालों वड्डा आ बाकी जिथे जिथे लड़ाई है वो नाल नाल चलती रहूगी। पता लग्या सी भी इस मामले च अदालत च विच भी किस केस गया होया जी उहदी की पोजीशन नहीं अदालत दे विच जिहड़ा केस है ना वो इदां दे जिवें इस पिंड दी जमीन नूं लैके केस है गलाडा दे नाल केस है काफ़ी सारे केस पए हुए बहुत सारिया धिरां वालों तो वो मैं लगता चलते रहेंगे नाल नाल अलग अलग तरह के केस है क्योंकि जदों जमीन अक्वायर की गई है वो ऊणत आईया सी हुण भी जिहड़ी कई तरह दी जिहड़ियां इन्हां दीआं रिपोर्ट्स DPR आ एनवायरमेंट असैसमेंट आ उहदे विच बहुत सारिया ऊणत आईया असीं भी लभियां आ मैं कह रहा ना जी वो जी गल असी कल्ले कोर्ट से नहीं रहना चाहते असी बहुत सारिया उदाहरण वेखियां जिथे कल्ले कोर्ट से रह के लास्ट से कितना कितने कागजी कार्रवाई धोखा हो जाता या किसी तरह की कोई ऐसी रूलिंग आ जाती है इस करके वो नहीं छड्डिया जा सकता यह संघर्ष लोगों को लड़ना पैना। अच्छा अच्छ कई कमियां पेशियां देखने को मिली तो लगता कि लम्मा चलेगा कम नहीं कमियां पेशियां जी देखो जो आप संघर्ष करते हैं साढ़े कोई रिसोर्स नहीं इतने कोई बहुते स्रोत नहीं आ ये बहुत सारिया संस्थावं आ जिन्होंने आगे साडा साथ दिता असं आ गए इतने बह गए हाँ उन्नी असी सेवा नहीं कर सके संघर्ष जिहड़ा आ वो इस तरीके लड़िया जाता मैनू लगता और पंजाबी अपना संघर्ष लड़ते पे आ किसी ने धनवादियाँ शिकायत नहीं की और जिहड़ियां साडियां कमियां ने मैनेजमेंट दियां असी जरूर दूर करांगे अगे तो। अकाउंटेबल तो बनाना ही है ना असीं जे रूलिंग पार्टी नूं अकाउंटेबल बनाना है तो विरोधी पार्टी नूं भी उन्ना ही अकाउंटेबल बनाना उन्हां नूं भज्जण नहीं देना और जे कोई चंगा नुमाइंदा आ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਨਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਔਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆ ਉਹ ਪਿਓਰ ਰਹੂਗੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਿੱਚੀਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿੱਚੀਏ ਜੇ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਸਮਝ ਇਕੱਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ PAC ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ PAC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ PAC ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 55 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅੱਜ SKM ਨਾਲ ਆਇਆ ਆ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲਏ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਧੰਨਵਾਦ।